guys, this is Shirasan, and today we are going to discuss decide and statistic. So basically, decide divide the data into 10 equal parts. जिस तरह हमने percentile में कहा कि percentile आपके data को split करता है 100 parts में, लेकिन decide आपके data को 10 equal parts में split करेगी, divide करेंगे. ये आपको 10% देगा. अगर 1 decide है तो 1 decide will be equal to 10%, 20, 2 decide will be equal to 20, इस तरह चलेगा. 3 decide is equal to 30%. So divide data into 10 equal parts and categorize data from highest to lowest part. अगर इस तरह आपके पास ये decide हो गया, 10 9 points हो गए आपके पास, 10 set of data हो गए और आपके पास 9 points हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके पास data set हो गए, आपको highest और lowest categories बताएंगे आपको. It is a quantitative unit of splitting of data rank and we will tell you our subsection. ये पूरा आपके पास data है, 10 section में इसको divide किया है, rank किया है कि कौन सी person decide में कौन सी data आएगी, 10% में कितने लोग आएंगे, 20 में, 30 में, accordingly. First decide is equal to 10%, second is equal to 20%. One decide का मतलब कि 10% से below जितना data आएगा. Second decide का मतलब data below 20%. थर्ड डिसाइड का मतलब डेटा बिलो 30%, फोर्थ डिसाइड का मतलब डेटा बिलो 40% एंड सो ऑन. अब हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास n इज इक्वल टू है 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40 और आ गया. सो हम इसको डिसाइड को डिस्क्रीट डेटा के लिए मालूम करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मालूम करेंगे और क्लास इंटरवल के लिए भी मालूम करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंडिविजुअल सीरीज के लिए मालूम करते हैं. डिसाइड फॉर इंडिविजुअल सीरीज. सो इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर हम डिसाइड को मालूम करना चाहते हैं तो वी शुड नो द फार्मूला ऑफ डिसाइड के n प्लस 1 डिवाइड बाय 10. अगर हम डिसाइड 1 मालूम करते हैं, डिसाइड 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो n बराबर हमारे 23 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 24 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 वही आएगा. हमारे पास पहले नंबर पर डिसाइड है 2.4. 2.4 पे हमारा पहला डिसाइड आएगा. तो सेकंड नंबर भी जो हमारे पास क्या है 1 2, तो 3.4 हमारे पास क्या आ गया, ये डिसाइड 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डिसाइड नंबर 1 आ गया. यहां पर हमारे पास डिसाइड नंबर 1. हम डिसाइड 2 मालूम करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यह हमें मालूम है इसे क्या वैल्यू आई है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका क्या आएगा 4.8. 4.8 फोर्थ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 0.8, तो 0.8 हमारे पास क्या आएगा, डिसाइड नंबर 2 आएगा. इस तरह हम डिसाइड नंबर 3 को मालूम करते हैं, तो n प्लस 1 वही 24, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आएगा 7.2 आएगा. तो 7.2 7 फिगर 1 2 3 4 5 6 7 10.2 हमारे पास क्या आएगा, डिसाइड नंबर 3 आएगा. ये हमारे पास क्या आएगा, डिसाइड नंबर 3. इस तरह आप डिसाइड नंबर 4 को भी मालूम कर सकते हैं, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास 4 4 16 1 4 2 8 1 9, तो 9.6 आपका 9 फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 13.6 आपका डिसाइड नंबर क्या है 4. इस तरह आप अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.4, इस तरह आपके पास एक आ क्या है, इसको 10 आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 में, तो d5 आपके पास रहेगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20, 5 to 10, 12,
12th number figure क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये आपका define आ गया. इस तरह आप decides मालूम कर सकते हैं. 2.4 multiply by 6, 6, 4, 24, 6 to 12, power 2, 14, 14.4. इस तरह decision 2.4 multiply by 6, multiply by 7, 7, 4, 28, 7, 2, 14 और 2, 16, 16.8 आएगा. इस तरह D8 हमारे पास आएगा 2.4 multiply by 8, 8, 4, 32, 8 to 16 और 19.2 आएगा. D9 हमारे पास आएगा 2.4 multiply by 9, 9, 4, 36, 9 और 2, 18 और 1, 21.6. 25 हमारे पास क्या है? D6 हमारे पास 14.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 21.6 हमारे पास D6 हो गया. D7 हमारे पास है 16.8. तो 14, 15, 16 हमारे पास 16 हो गया. D7. 17 हमारे D8 हमारे पास है 19.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ये हमारे पास क्या हो गया? D8 हो गया. D9 हमारे पास है 21.6. तो आपके पास 21 नंबर यहाँ पर आते हैं. ये आपके पास D9 हो गया. ये सब आपके पास D10 हो गया. तो आपके पास कितने पॉइंट्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपके पास 9 पॉइंट्स होंगे. आपके डेटा से कितने सेट्स में होगा? 10 इक्वल पार्ट्स में होगा. तो अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के लिए डिसाइड वाल करते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप इस तरह अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करें? स्प्लिट करें. हाईएस्ट रैंकिंग आपके पास ये है 90 डिसाइड नंबर 9 डिसाइड नंबर 8 डिसाइड 7 डिसाइड 6 डिसाइड 5 50% डेटा आपके पास यहां से नीचे है 60% डेटा आपके पास यहां से नीचे है 70% डेटा आपके पास यहां से नीचे है 30% डेटा आपके पास यहां से नीचे है 20% डेटा आपके पास यहां से नीचे है और 10% डेटा बिलो इस पॉइंट पे है. तो आप इंडिविजुअल सीरीज के लिए डिसाइड को इस वे में मालूम करेंगे. डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे मालूम करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम हर पास डिस्क्रीट सीरीज को ये एक फ्रीक्वेंसी मोर देन वन टाइम अगर हो तो मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 2 टाइम है 2 हमारे पास 4 टाइम है 3 हमारे पास 6 टाइम है 4 3 टाइम है एंड सो ऑन. आप उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं जब आप एक डिस्क्रीट सीरीज की आप अगर डिजाइन मालूम करना चाहते हैं तो आप उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 2 2 आ गया 2 4 6 आ गया 6 6 12 12 3 15 15 5 20 20 22 123 या 713 36 39 and 44 and 54. अब इसकी फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे तो समेशन ऑफ f डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1. समेशन ऑफ f आपके पास क्या आना चाहिए? इसको आप सब को करें 2 4 6 6 12 और 3. समेशन ऑफ f आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप इसको अगर करें 2 4 6 6 12 और 3 15 20 22 23 30 36 39 54. तो यहां पर आपके पास क्या है? डिसाइड नंबर 1 ये 54 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास आएगा 5.4. तो 5.4 आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन सी ग्रुप में इसके नीचे है? जिस ग्रुप के नीचे आएंगे उसी को आप डिसाइड वन करेंगे. तो 6 के नीचे आएगा तो आपके पास डिसाइड वन हो गया. इस तरह आप डिसाइड टू वन करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास 5.4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 का 2 4 8 2 5 10 10.8 10.8 आपके पास 12 के नीचे आएगा तो ये आपका डिसाइड नंबर 2 हो गया. इस तरह आप D3 को मालूम करते हैं समेशन ऑफ f डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 5.4 मल्टीप्लाई बाय 3 16.2 16.2 15 से ऊपर है तो 20 के नीचे आ रहा है तो यहां पर आप इस आपका ये डिसाइड नंबर क्या हो गया? 3 हो गया. इस तरह आप D4 को मालूम करें summation of f 5.4 multiplied by 4 4 4 16
और 520 21.6. आपका डिसाइड हम आपको क्या गया 21.6. डी5 आपके पास आ गया 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 520 5525 और 2 27. आपके पास डी6 क्या आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 664 24 6530 32. आपके पास डी7 क्या आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 774 28 7535 टू 37. आपके पास D8 क्या आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 84 32 8541 43. आपके पास D9 जो हमारे पास 9 नंबर पॉइंट है और 9 पॉइंट आप मालूम करते हैं 9436 9545 43 48. तो आपके पास सारे डिसाइड मालूम हो गए. आप रिकॉर्डिंग लिया उसको बुक करते हैं. D4 हमारे पास क्या है 21.6 22 के नीचे आएगा तो आपके पास D4 हो गया. D5 हमारे पास है 27 इसके ऊपर है और 30 के नीचे आएगा तो आपके पास D5 आ गया. D6 आपके पास है 32.4 इसके नीचे आएगा तो ये हमारे पास D6 हो गया. D7 हमारे पास है 37.8 यही के नीचे आएगा आपके पास D7. D8 हमारे पास है 43.2 इसके नीचे आ रहा है आपके पास D8 और आपके पास D9 48.6 इसके नीचे D9 दे रहा है और इसके एंड में आपके पास D10 दे रहा है. तो ये आपके पास डिस्क्रीट लेवल के लिए जब आप डिसाइड को लागू करते हैं इसी फॉर्मूले में आप इसको पुट करके निकाल क्लास इंटरवल के लिए मालूम करते हैं. हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है अकॉर्डिंगली हर क्लास की फ्रीक्वेंसी इसके सामने मेंशन है इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी उसके सामने मेंशन है. तो क्लास इंटरवल के लिए हम अगर रिसाइल को मालूम करना है तो हमने सबमिशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1. सो सबमिशन ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा इसकी सबमिशन ऑफ एफ को आप मालूम करें तो हमारे पास 72 आएगा. तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10 7.2. अब 7.2 की प्रीसीडिंग क्लास को आप सेलेक्ट करके या आपके पास डिसाइड होगा. मिसाल के तौर पर 7.2 की प्रीसीडिंग क्लास क्या है ये आपके पास वही क्लास आएगा तो ये आपके पास D1 होगा. अब आपने डिसाइड की वैल्यू को मालूम करना है कहां तक डिसाइड 1 है तो इसकी एक अपने फार्मूला है उसी फार्मूले में आपने इसको फिट करना है. डिसाइड 1 इज इक्वल टू L प्लस h divided by f summation of f divided by n multiplied by 1 minus cumulative of frequency. तो इस क्लास के बाउंड्री 10.5 से लेकर 15.5 तक है. तो लोएस्ट बाउंड्री इस क्लास की क्या है 10.5 और इसकी क्लास बाउंड्री 10 से 5 है 15 है तो 5 आएगा. फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है 3 है डिवाइड बाय 3. समेशन ऑफ f डिवाइड बाय n और इससे हमारे पास 7.2 आया है. माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उस सेकंड लेवल क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने माइनस करना है. जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं गिवन तो आपके पास क्या आएगा 12 आएगा. तो इस तरह आपकी 11 और 15 के दरमियान ये वैल्यू पुट करती है 12 इसके दरमियान आता है तो ये वाला क्लास आपके पास D1 हो गया. सेम इस तरह आप D2 की मालूम करते हैं तो सबमिशन ऑफ a डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आएगा वही 7.2. आप 2 में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7.2 14.4 14.4 की प्रीसीडिंग क्लास आपके पास ये आ रही है. आपके पास डिसाइड नंबर 2 ये क्लास आ रही है. सेम फॉर्मूले में इसको आपने पुट करना है D2 L प्लस H डिवाइड बाय F समेशन ऑफ F माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब इसकी बाउंड क्या है 20.5 20.5 बाउंड्री क्लास हमारी 5 है. फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है.
कंप्लीट डिफरेंटली जब हमने मालूम किया था कि समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 14.4, इस तरीके का एक क्लास की फ्रीक्वेंसी 14 है, आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास 22 आएगा। तो ये वाला ग्रुप आपका डिसाइड नंबर 2 हो गया। इस तरह इकॉर्डिंगली आप सारे कर सकते हैं। अब हम डिनाइड को मालूम करते हैं। सो डिनाइड सबमिशन ऑफ ए डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 7.2 को आप 9 में मल्टीप्लाई करें 9 2 18 9 7 64 64.8 64.8 प्लस मिशन प्लस क्या है ये तो ये आपका डिनाइड है इस पर आपने फार्मूले में फिर करना है डिनाइड को L plus H divided by F summation F N multiplied by 9 minus comparative frequency। आपके पास L क्या रहा है? Normally 70.5 plus 5 frequency इसकी क्या रही है? 6 और इससे हमारे पास 64.8 आया। minus comparative frequency क्या थी? 62। मिशन इंप्लास की क्या थी? तो आप इसकी कैलकुलेशन करें, आपके पास डिनाइड आएगा 69 आपके इसके दरमियान है, 66 और 67 के दरमियान है, तो ये आपके पास डिनाइड हो गया। इस तरह D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9। इस तरह आप तीनों टाइप्स ऑफ डेटा के लिए, इंडिविजुअल के लिए, आप डिस्क्रीट के लिए, आप क्लास इंटरवल के लिए डिसाइड मालूम करते हैं अकॉर्डिंगली। फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच।